वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के टीएचपी में दशरथ गुजराती नामक गैंगस्टर की डेड बॉडी मिलने से परिजनों ने विरोध में हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से आज जयस्तंभ चौक सहित शहर के मुख्य मार्गों में घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गैंगस्टर दशरथ गुजराती की हत्या कर दी है, जबकि पुलिस की माने तो पुलिस से भागते हुए गैंगस्टर ने नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके कारण युवक डूब और उसकी मौत हो गई। युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिससे शहर के मुख्य चौराहे जयस्तंभ में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जहां तनाव की स्थिति बन गई। युवक के पास से 336 सीसी कोरेक्स मिलने पर आरोपी बनाया गया था। सैकड़ा से अधिक की संख्या में लोग यहां एकत्रित थे, जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। वहां लोग आपस में झगड़ भी रहे थे। पुलिस का अमला मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा और काफी समझाइश दी गई। घंटों जाम की स्थिति बनी रही। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत हटवा गांव में एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला उजागर हुआ है, जिसमें युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर कई सालों तक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। जानकारी के मुताबिक आरोपी के द्वारा बार बार युवती को धमकाया जाता था। धमकाए जाने के बाद और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब युवती तंग आकर आरोपी की मनमानी का विरोध करने लगी, तो आरोपी ने सोशल मीडिया में युवती का वीडियो वायरल कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शादी करने का दबाव जब युवती ने आरोपी के ऊपर बनाया, तो आरोपी ने सोशल मीडिया में युवती का वीडियो वायरल कर दिया। मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में पेश किया है। रीवा में महिला कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कई सवाल उठाए और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। महिला कांग्रेस द्वारा राम दरबार अरुण नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए भागवत भजन और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर आंकड़े भी जारी किए। उन्होंने बताया कि पिछले 12 महीनों में 4,000 से ज्यादा दुष्कर्म और 6,000 से ज्यादा अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं। लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, जिसका शिकार नाबालिग और मासूम बच्चियां भी हो रही हैं। उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री महिलाओं और बेटियों के सुरक्षित होने का दावा करते हैं, वहीं क्राइम रिकॉर्ड इन तमाम दावों की पोल खोल रही है। रीवा में महिला कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया और बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश लगातार अपराधों का टापू बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने आप को बहनों के भाई और भांजियों के मामा बताते नहीं अगाते, लेकिन लगातार लॉकडाउन के दरमियान भी 11,000 से ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए, 6,000 से ज्यादा बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं हुई। आज रीवा में महिला कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, ताकि शायद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में बैठकर हम लोग ने भजन गाया है और यज्ञ का और हवन का कार्यक्रम किया है, कि शायद शिवराज सिंह और उनकी भजभज मंडली को इस बात का एहसास हो जाए कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध की कायमी हो रही है। आपने देखा होगा कि अलीराजपुर और धार जैसी जगहों पर कितनी बुरी तरह से लड़कियों को मारा और पीटा गया, उनके साथ पाशविकता और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। इसी तरह नेमावर की घटना हम सब कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस सद्बुद्धि यज्ञ करके एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप मामा अपने आप को कहलाते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में कदम उठाएं, अन्यथा स्थितियां बेहद बेकाबू हो जाएंगी। जय हिंद। बढ़ते अपराधों में अब ऑनलाइन ठगी का भी मामला बढ़ता जा रहा है। जिले के सगरा में एक युवक से फोन पे के माध्यम से ऑनलाइन ठगी का मामला उजागर हुआ है, जिसके मोबाइल पर रिवॉर्ड के रूप में मैसेज आया और युवक जब तक कुछ समझ पाता, क्लिक करते ही उसके खाते से पैसे गायब हो गए। युवक इसकी शिकायत लेकर पुलिस कंट्रोल रूम गया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि फोन पर कुछ प्रोसेस फॉलो करने के का एक मैसेज आया था, जिसको फॉलो करने के बाद बार युवक के खाते से कुल 37,763 रुपए गायब हो गए, जिसकी शिकायत लेकर पुलिस आज पुलिस के पास पहुंचा था।
उमरिया जिले के मानपुर शराब ठेकेदार और उनके कथित गुर्गों द्वारा गांव-गांव और एक जिले से दूसरे जिले में अवैध रूप से शराब की बिक्री कराए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्यवाही की और मानपुर से शहडोल जिले के पौंडी ग्राम ब्योहारी में अवैध रूप से शराब की पैकारी करने जा रहे 3 युवकों को शराब सहित गिरफ्तार किया है। शहडोल जिले के ब्योहारी पुलिस ने बताया कि उमरिया जिले के मानपुर सहित आसपास के इलाकों और शहडोल जिले के ब्योहारी क्षेत्र में मानपुर से शराब लाकर अवैध रूप से बिक्री कराए जाने की सूचना मिल रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मानपुर से अवैध रूप से शराब लेकर ग्राम पोंडी बसही में संचालित अवैध ठीहों में पहुंचाने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई। पोंडी में कार्यवाही करते हुए बोलेरो वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिस पर शराब का जखीरा मिला। आरोपियों से शराब के संबंध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन शराब के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज न होने के कारण आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, ये जो ब्योहारी था अंतर्गत ये सब शराब पकड़ाई गई है, क्या कैसा मामला है? कल रात्रि को सूचना प्राप्त हुई थी कुछ अवैध गतिविधि संबंधित, तो ग्राम पौड़ी उमरिया रोड थाना ब्योहारी के पास चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें रात के लगभग 3:20 बजे एक सफ़ेद कलर की बुलेरो गाड़ी पे तलाशी के दौरान 77 लीटर शराब पाई गई है, जिसके उनके पास कोई दस्तावेज नहीं और तो अवैध शराब की परिवहन किया जा रहा था, तो उसमें उनकी विरुद्ध 4 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 34 आबकारी अधिनियम, 42 आबकारी अधिनियम और 34 भादावी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पकड़ी गई शराब की लागत क्या थी? लागत 44,550 रुपये। ये पूरी अंग्रेजी शराब थी कि देसी शराब भी इसमें शामिल थे? नहीं, अंग्रेजी शराब। मिली जानकारी अनुसार ये मानपुर का कोई भाजपा नेता है, तो ये बेचना का तथ्य है जिसमें जांच चल रही है। शहडोल जिले में खाद्यान्नों के स्टोरेज का काम करने वाली स्काई लाइन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था ने खाद्यान्नों के हेरफेर होने की एक शिकायत कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक दर्ज की थी। संस्था के स्थानीय जिम्मेदारों ने लिखित शिकायत करते हुए कहा कि नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई है, जिसमें 5 लॉट फर्जी तरीके से चढ़ा दिए गए हैं, जिसका संस्था के रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरे मामले में बड़ा गोलमाल हुआ है और जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई 2020 में हुई इस गड़बड़ी की शिकायत स्काई एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी फरवरी 2021 और मार्च 2021 को की थी, जिसमें उन्होंने 2,610 बोरी चावल नागरिक आपूर्ति विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्यादा दिखाए जाने की शिकायत की थी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं ने अपने साथ जांच के दौरान किसी भी तरह की घटना दुर्घटना का भय भी शिकायत और जांच के दौरान होने का अंदेशा जताया था। पूरे मामले की शिकायत लंबे समय से की जा रही है, लेकिन जांच की आंच अब तक दोषियों तक नहीं पहुंच सकी है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शिकायत का मामला है स्काईलाइन नाम की जो गोदाम है, उस गोदाम में जो चावल रखा जाता है उसके प्रकरण कुछ ऐसे बने हैं कि जिसमें कुछ चावल का स्टॉक वगैरह चल रहा है। मेरे आने के बाद मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने गोदाम वाले से शिकायत दोषी की थी जो फंडवाई को, उस पर अपने ऑफिशियल तरीके से जाँच कर रहा हूँ, जैसे जाँच रिपोर्ट आएगी की पर्ची 4 अलग अलग गाड़ियों के नाम से दर्ज है, ऐसा कुछ है? अभी तो देख रहे हैं, वैसे सुनने में तो यही आया है, अभी रिकॉर्ड उनका कोई अवलोकन नहीं किया हम लोगों ने, बैठ के सब रिकॉर्ड इकट्ठा करके अवलोकन करके जो निष्कर्ष निकलेगा सब बताया जाएगा। ये सिर्फ अकेला एक ही मामला है या जिले में इस प्रकार के और भी मामले? ये सिर्फ एक ही मामला है, ये हो सकता त्रुटि बस भी हो गया हो या जानबूझ के हो गई, तो बाद में पता लगे। लाइबिलिटी प्रथम दृष्टिया किसकी जाएगी? ये पहले क्लियर तो होगा क्या है? प्रदेश के खनिज मंत्री और सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 2 दिवसीय दौरे में सिंगरौली पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के विभिन्न समस्याओं सहित उपलब्ध संसाधनों का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री सुबह पहले वैक्सीनेशन सेंटर दिधुचुआ जयंत DAV स्कूल पहुंचकर वहां का जायजा लिया। इसके बाद जयंत में
एनसीएल जयंत खदान का निरीक्षण किया। उनके साथ एनसीएल सीएमडी प्रभात झा भी मौजूद रहे। इसके बाद जिले में संचालित विद्युत ताप गृह एनटीपीसी का भी भ्रमण किया और अधिकारियों के साथ दिन भर जिले के अलग अलग इलाकों के दौरे पर रहे। शाम ढलते ही प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बैढ़न जिला मुख्यालय में कलेक्टर हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सिंगरौली के विकास सहित कई मुद्दों पर अधिकारियों से मुखातिब हुए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए खनिज राज्य मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सिंगरौली जिले के रुके हुए विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यहां रुके हुए सभी विकास कार्य तेजी से पूरे किए जाएं। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने सीधी से सिंगरौली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 39 के निर्माण को लेकर भी आश्वस्त किया। संबंधित विभाग के केंद्रीय मंत्री से इस बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रभारी मंत्री ने इस बात के भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। इसके बाद पौधारोपण कर जिला अस्पताल सट्रामा सेंटर का निरीक्षण कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के निर्देश दिए। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत से हमारे ऑनगोइंग वर्क्स चल रहे हैं, जो पहले से हमारे काम चल रहे हैं, कुछ पेयजल योजना को लेके है, कुछ नगर निगम के अंदर भी काम चल रहे हैं, कुछ हमारे अन्य विभाग के भी काम है। कहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमारी रोड्स किसी फॉरेस्ट के कारण फंसी हुई थी, या हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ हमारे काम लंबित थे। आज हमने सभी डिपार्टमेंट्स को लेके, डीएमएफ को भी लेके, सभी को लेके मैंने आज चर्चा की है और मैं ये मानता हूँ कि हम अगली बैठक तक हमें सब चीज़ों में प्रोग्रेस मिल जाएगी। डीएमएफ का जो फंड है वो भोपाल जरूर गया है, लेकिन वो है यहाँ का। तो निश्चित रूप से जो हमारी कमेटी है जो प्रस्ताव भेजेगी, तो वो पैसा यहाँ आएगा। ऐसा नहीं है कि चला गया तो लौट के नहीं आएगा। 75% गया है, लेकिन उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी हुई है जिसका मेंबर मैं हूँ। उसमें फाइनेंस PS है, हमारे माइनिंग के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, तो हम लोग 5 लोगों की एक कमेटी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी फंड यहाँ से गया है, क्योंकि उसमें जो एक्सेस अमाउंट होता है, और ये निश्चित रूप से DMF में भी ये सीधा सीधा उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जहाँ पे माइनिंग एरिया है उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उसमें पैसा खर्च किया जाए। तो जो भी पैसा गया है वो एक रेशियो के तहत, क्योंकि वो पिछली गवर्नमेंट ने एक 50% का रेशियो बनाया था, थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है क्योंकि हमें बहुत से अन्य आवश्यकताएं भी कोविड को लेके आ गई थी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हमारे प्रपोजल्स सिंगरौली के होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या DMF हमारे सिंगरौली से मिलता है, तो वहाँ पे आज ही मैंने कलेक्टर महोदय से बात की है कि जो हमारे प्रपोजल्स हैं, जो हमारे हमें डिमांड करना चाहिए उसके प्रपोजल हमारे जाए, निश्चित रूप से हम उसको अपने स्टेट लेवल की कमेटी से स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। एक जिले का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है, ये निर्णय पूरे मध्य प्रदेश का। हाईवे तो NH है कि स्टेट हाईवे है। अब NH के लिए आपने हमें अवगत कराया, उसका मैं निश्चित रूप से देखूंगा क्या है, और फिर हम माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सिंगरौली जिले के सराई तहसील अंतर्गत बंधा पेडरवाह पचौरा सहित आधा दर्जन गांव की THDC व एक्सेल माइनिंग कंपनी के लिए अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन 16 साल बीत जाने के बावजूद आज तक किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई अपनी बच्चियों की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी जनसुनवाई कलेक्टर राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता बंधा गाँव में सम्पन्न हुई। THDC कंपनी के अधिकारी AK शर्मा, बंधा क्षेत्र के विस्थापित व कांग्रेस के नेता दरोगा पाठक सहित सैकड़ों स्थापित व ग्रामीण उपस्थित रहे। इस जनसुनवाई में स्थापितों ने कलेक्टर की उपस्थिति में कहा कि पहले THDC क्षेत्र के प्रभावित विस्थापित हो रहे लोगों की जमीन की व विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण हो, इसके बाद आगे अधिग्रहण हो। साथ ही विस्थापितों ने कहा कि कन्वेयर बेल्ट में फंस रहे क्षेत्र की जमीन का विधिक तरीके से अधिग्रहण हो व कन्वेयर बेल्ट में जिसकी भी जमीन फंस रही है उन्हें बिना नोटिस दिए यदि कोई घर सहित अन्य उपयोग की चीजें बना रहा है तो उसे रोका ना जाए। इस जनसुनवाई में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कंपनियों से प्रभावित हो रही जमीनों के संबंध में लोगों को जानकारी दी। कांग्रेस के नेता दरोगा पाठक ने कहा कि 16 साल से पेड़रवाह गांव के
टीएचडीसी क्षेत्र के प्रभावित इन विस्थापन का या विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। कई लोग असमय काल के गाल में समा गए, उनको जमीनों का पैसा नहीं मिला, ना ही वह लोग जमीन बेच पाए, जिससे इन लोगों ने पैसे के अभाव में अपनी बेटियां बेटों की ना तो शादी कर पाए, ना ही बीमारी से पैसे के अभाव में इनका इलाज हो पाया, क्योंकि यह जो जमीन या जो उनकी जमीन है कंपनी के अधिग्रहण क्षेत्र में होने के कारण बिक्री खरीद पर प्रतिबंध लगा है, जिससे कोई भी व्यक्ति बेच नहीं पा रहा, ना ही किसी को कंपनी द्वारा पैसा दिया जा रहा है। टीएचडीसी कंपनी के अधिकारी ए के शर्मा ने भी कहा कि हम जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की कमी की वजह से मुआवजा वितरित नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा का कहना है कि लेट जरूर हुआ, लेकिन हम जल्द ही पूरी गाइडलाइन के तहत मुआवजा वितरण करवाएंगे। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये जो आपने जनरल परिचर्चा थी, सुनवाई जो जन सुनवाई होनी है उसकी जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत उसका प्रकाशन होगा, उसमें जन सुनवाई होगी और वो निरंतर जो अपना अधिनियम है उसके अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ हैं वो जो विभिन्न प्रकार के जितने भी सिंगरौली जिले में ब्लॉक आवंटित हुए हैं उसके अनुरूप वो कार्रवाइयाँ चलेंगी और जिस भी तरीके से जो विधि अनुरूप ही सारी कार्रवाइयाँ उसमें होंगी, वो भी जो प्रक्रिया है जो विधि अनुरूप जो प्रक्रिया होगी उसी में आगे कार्रवाई उसमें होंगी। हाँ, ये ज़रूर इसमें बहुत अधिक समय व्यतीत हुआ है और इसमें जो भी अपनी कठिन जो अचल जो भी अड़चनें थी वो हम कोशिश करेंगे कि त्वरित उनका निराकरण करते हुए आगामी जो दो माह में पूरी प्रक्रियाओं को संपादित करते हुए एक जो उचित जो इनको प्रतिकर है और उसका पुनर्वासन पुनर्स्थापन की व्यवस्थाएं हम करें। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी में बिजली विभाग की अघोषित कटौती और बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर कल चुरहट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीधी रुद्र प्रताप सिंह बाबा एवं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह की विशेष उपस्थिति में चुरहट डीसी का घेराव किया और चुरहट उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विरोध में मशाल यात्रा निकाली गई, साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि यदि 7 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।